दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज एलटी एंड एसटी लाइन, एलटी और एसटी लाइन क्या होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों हमारे मन में ये डाउट होता है कि आखिर एचटी और एलटी यानी एचटी और एलटी लाइन का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों आप इसके फुल फॉर्म से आप इसका मतलब पता कर लोगे। दोस्तों जो एचटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, एच का मतलब होता है हाई और टी का मतलब होता है दोस्तों टेंशन। तो दोस्तों एच टी लाइन के अंदर एच टी का मतलब हाई टेंशन होता है। दोस्तों हाई टेंशन के अंदर कितने वोल्टेज आते हैं, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इस टेंशन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आप टेंशन बोलो या फिर वोल्टेज बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जो टेंशन होता है, इस टेंशन का अर्थ है हमारा वोल्टेज, यानी टेंशन को अगर आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो वो वोल्टेज ही कहलाएगा, क्योंकि जो टेंशन वर्ड है ये टेंशन एक फ्रेंच वर्ड है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में भी ये पूछता है कि एचटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप उनको भी ये कह सकते हो कि एचटी का फुल फॉर्म होता है हाई टेंशन मतलब हाई वोल्टेज। तो वो आपसे रिपीट में ये क्वेश्चन करेंगे, टेंशन का मतलब वोल्टेज थोड़ी होता है, तो आप उनको बोलिएगा टेंशन एक फ्रेंच वर्ड है जिसको इंग्लिश में या हिंदी में वोल्टेज ही कहा जाता है। इसी तरह तो दोस्तों जो एलटी लाइन होती है, इसकी भी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लो टेंशन मतलब लो वोल्टेज। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एचटी लाइन और एलटी लाइन के अंदर कितने वोल्टेज लेवल आता है। दोस्तों अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि हमारे जो 400 केवी की लाइन है मतलब 400,000 जो वोल्टेज है, वो जो वोल्टेज लेवल है वो हमारा हाई टेंशन लाइन के अंदर आएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो हमारी जो एलटी लाइन होती है आपके घरों के अंदर जो आती है, ये सारी हमारी एलटी लाइन होती है। एलटी लाइन उसे कहा जाता है जहां पे हमारे 1000 वोल्ट के नीचे वोल्टेज हो, मतलब अप टू 1000 वोल्ट। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया जाता है कि एलटी लाइन के अंदर कितने वोल्टेज आते हैं, तो आप उनको साफ कह सकते हैं कि 1000 वोल्टेज के नीचे के जितने भी वोल्टेज है, चाहे वो सिंगल फेज हो चाहे वो थ्री फेज हो, है ना, जैसे 220 वोल्टेज हो गया, 440 वोल्टेज हो गया, ये सारे के सारे हमारे एलटी लाइन के अंदर ही आएंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एचटी लाइन की, तो एचटी लाइन के अंदर दोस्तों हमारे जो 1000 वोल्ट है, इस 1000 वोल्ट के ऊपर के, 1000 वोल्ट के ऊपर के और 33 केवी के नीचे के वोल्टेज हमारे एचटी लाइन में आएंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया है एचटी लाइन का जो वोल्टेज लेवल होता है वो होता है 1000 वोल्टेज से 33000 वोल्टेज तक, 33000 वोल्टेज का मतलब 33 केवी तक। अब दोस्तों एलटी और एचटी के बाद में एक और वोल्टेज लेवल होता है जो कि होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन, ठीक है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन जिसको बोलेंगे आप एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज भी बोल सकते हो, क्योंकि टेंशन का मतलब वोल्टेज होता है। तो दोस्तों जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन होता है, इसके अंदर जो वोल्टेज लेवल होता है वो हमारे जो 33 केवी मतलब हमारे 33000 वोल्टेज के ऊपर के जितने भी वोल्टेज आते हैं वो हमारे ईएसटी लाइन में आते हैं, मतलब एक्स्ट्रा हाई टेंशन। तो दोस्तों अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछे कि वोल्टेज लेवल को कितने भागों में बांटा जाता है, तो आप उनको साफ बोलेंगे कि हमारे वोल्टेज को तीन भागों में बांटा जाता है, एक बोला जाता है एलटी लाइन, फिर बोला जाता है एचटी लाइन, फिर बोला जाता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन ईएसटी लाइन, ठीक है। और जो हमारे जो एलटी लाइन होता है, इसके अंदर जो हमारे 1000 वोल्टेज के नीचे के वोल्टेज है वो आते हैं, इसके बाद में हमारे जो हाई टेंशन लाइन होती है इसके अंदर हमारे 1000 वोल्टेज से 33000 वोल्टेज तक आते हैं, और इसके बाद में एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन के अंदर हमारे अबाउट 33 केवी मतलब 33000 वोल्टेज के ऊपर के वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन में आते हैं। दोस्तों इस छोटे से वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल फील्ड में पढ़ाई या फिर जॉब कर रहे हैं, तो दोस्तों हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे, और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं तो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए जिसका नाम है engineeringdost.com। और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति अभी इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।